बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनी हुई है क्या पैटर्न है कितना फॉल हो सकता है कब फॉल हो सकता है चलिए इस वीडियो के अंदर सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं हमारी भी एक बैंक निफ्टी के अंदर ओपन है अगर आप इन सब के लिए रेडी हो जानना सीखना समझना चाहते हो कि कहां तक जा सकता है टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स करो 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 फटाफट करो बैंक रेडी टाइप करो कमेंट बॉक्स के अंदर आई नीड सम फ्रॉम योर साइड कम ऑन थैंक यू सो यहां पर हम चले हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के अंदर हमने देखा कि कल फ्राइडे जो यू नो you know, बैंक निफ्टी जो वीक क्लोज हुआ उसमें बैंक निफ्टी ने फिफ्टी वन थाउजेंड का लिए लिए ब्रेक कर दिया फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर क्लोज दिया और लास्ट वीक जब फिफ्टी वन थाउजेंड के ऊपर इसने क्लोज देने में कैपेबल रहा था करंट वीक में फिफ्टी वन थाउजेंड भी तोड़ के उसके नीचे चला गया है अब एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनी है जिसको हम कहते हैं बेयरिश एंड गल्फिंग चार्ट पैटर्न समझाता हूँ ये क्या होता है देखिए अब आप यू समझिए कि एक कैंडल की रेंज इतनी है जो करंट वीक से पहले की ग्रीन कैंडल बनी उसकी रेंज ये है फॉर एग्जाम्पल और करंट वीक का रेड कैंडल इतना बड़ा बन गया इसका मतलब क्या हुआ कि करंट वीक का कैंडल पिछले वीक की कैंडल को एनगल्फ कर गया खा गया हिंदी में कहते हैं खा गया निगल गया एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है निगल गया मतलब ये जो बड़ी वाली कैंडल जो बनी जो पिछली वाली पूरी कैंडल को निगल गई ये अब डोमिनेंट कैंडल है और ऐसा ही कुछ हमें यहां पे देखने को मिल रहा है दोस्तों करंट वीक के अंदर एक बेरिश एंगलफिंग पैटर्न बना हुआ है प्रीवियस वीक की कैंडल को पूरा, पूरा का पूरा करंट वीक का कैंडल निगल चुका है क्योंकि आज करंट वीक का जो आई बना है वो है फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव सेवेंटी सेवन करंट वीक का जो क्लोज आया है वो है फिफ्टी थाउजेंड सेवन एटी सेवन तो एक अच्छा फॉल हमें यहां पर देखने को मिला और दोस्तों करंट वीक का लो जो बना है वो है फिफ्टी थाउजेंड जो कल फ्राइडे के दिन ही बना हुआ है पैटर्न है। बस एक चीज की देरी है एक चीज हमें चाहिए क्या एनी गैसेस एग्जैक्टली हमें चाहिए कि नेक्स्ट वीक करंट वीक का लो ब्रेक हो एक बार बैंक निफ्टी फिफ्टी थाउजेंड थ्री एटी टू ब्रेक करे नीचे की तरफ पांच दस मिनट अगर सस्टेन करे तो मेरे हिसाब से अगला टारगेट हमारे यहां बन रहेगा बिलो 50000 समर अराउंड 49627 650 650 के आसपास जहां पे दो सिमिलर कैंडल का लो बना हुआ है तो यहां तक की एक्सपेक्टेशन तो मैं कर रहा हूं 1000 पॉइंट नीचे अगर करंट वीक का लो ब्रेक हो गया तो और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक कर दिया ना 49657 फिर खुदा जाने ये कहां रुकेगा इतनी बड़ी तबाही बर्बादी आ सकती है अगर 49657 ब्रेक हो गया तो ऊपर की तरफ करंट वीक का हाई सफिशियंट है करंट वीक का हाई के आसपास का हाई टारगेट रखेंगे बिकॉज लास्ट वीक के अंदर मतलब करंट वीक जब मैं इस सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ तो 2000 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमें फॉल देखने को मिला है सेवन मतलब 1900 पॉइंट्स का फॉल है ऊपर की तरफ वही लेवल रख रहा हूँ करंट वीक का हाई तो बस ये हमारी प्लानिंग है देखते हैं किस तरह से नेक्स्ट वीक में रिएक्ट होता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू